knowledge for the creative school English medium. Admission are open from nursery to 6th standard. Sai Mobile, MI store, all MI mobile available here. The Manik Public School and College. Admission open 1st to 8th standard and PUC Science and Commerce. Sayer Skill Furniture, KPN Aisha PUP Decorator, Perfect Graphic. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہم تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم تمام کی تراویوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم تمام کی تلاوتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم تمام کے ذکر و اذکار کو قبول فرما. اے اللہ ہم تمام کے زکات صدقات خیرات فطرے کو قبول فرما. رہنے والے تمام باشندوں کو عید الفطر 2019 کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں. عیدگاہ بس و کلیان کمیٹی کی جانب سے یہ عید پرامن طور پر انجام دی گئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں شریک رہے اور عید کی نماز کو ادا کیا. میں اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کوششوں کو قبول فرمائے. اس عیدگاہ کی تعمیر کا جو اعلان ہم نے عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے عید الفطر سے پہلے اس کو تکمیل کو پہنچائیں, اس میں کچھ رکاوٹیں آئیں جس کے نتیجے میں یہ کام تکمیل کو نہیں پہنچا. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے
और हमें ईदगाह की इस तामीर के अंदर जो हमारा मिल्लत का एक शान शान है, हमारे इत्तेहाद का मरकज़ है, हमारे विकार और इज़्ज़त की हमारी पहचान है। अल्लाह तबारक ताला जिस जिन अहबाब ने इसमें भरपूर ताउन फरमाया है, मैं उनके हक़ में भी दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला उनको अजर अजीम से अता। न्यूज़ की तरफ से ईद की मुबारकबाद। अभी हम मौजूद हैं बसवा कल्याण की ईदगाह पर, हमारे साथ मौजूद हैं बसवा कल्याण के एमएलए बी नारायण साहब, आइए बात करते हैं। न्यूज़ के जरिए शहर के तमाम लोगों को रमजान का ईद का मुबारकबाद देता हूँ और हर घर में खुशहाली और अमन और तरक्की हमारे पिछली बार सर ईदगाह के लिए कुछ अभी अमाउंट मांगना पड़े वो अभी उसका कितना होगा सर, वो कब तक हो जाएगा? रहमत साहब को हमने मिला है तो उन्होंने बताया कि ईद के बाद 8-9 तारीख को आई है और 28 तारीख को जो हमें मुख्यमंत्री का वास्तव्य है उस वक्त वो भी आ रहे हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री का पुस्तक का रिलीज किया के पूरे नागरिकों को रमजान ईद का ईद मुबारक कहता हूँ। बसों कल्याण जो नजरा ऐसा है, यहाँ भाईचारे का नाता है, जैसा कल्याण में चाहते थे तस्वर देते थे, अल्लाह और थोड़ा ये मजबूत रहने के लिए। मैं रियाज पटेल SIO बसों कल्याण को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस ईद के मौके पर मैं सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को बहनों को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमने जो भी रमज़ान में जो भी अच्छे काम किए हैं, रोज़े रहे हैं, हमने जो खैर खैरात की है, अल्लाह ताला उस सबको कबूल करे। और दूसरा जो मैसेज है इस रमज़ान के ज़रिए से, वो मैं मेरे ब्रदर्स ऑफ नेशन मेरे दूसरे जुल के रहें और जो भी लोग जुल्म करना चाह रहे हैं और हमको बांटना चाह रहे हैं, हम हमेशा उनकी मुखालिफत करें और हम एक दूसरे की हिफाजत के लिए आगे बढ़ें और इस मुल्क को एक मिसाली मुल्क बनाएं। ये ईद का मैसेज मैं SIO की जानिब से देना चाहता हूं और स्टूडेंट कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूं कि आप बुराई के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो जाइए, इविल के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो जाइए। इस दुनिया को अगर, इस मुल्क को अगर हम बदल सकते हैं तो सिर्फ वो यूथ हैं जो इस मुल्क को बदल सकते हैं। जी आ रहा